तो क्रिसमस होने की वजह से काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। बहुत सारे लोग दिल्ली NCR से निकल करके और भरतपुर बर्ड सेंचुरी विजिट करने आए हैं। पहला कोहरा है ये सीजन का। कोहरा बहुत अच्छे से पड़ रहा है, ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब 5 बजे उठे थे सो करके तब इतना कोहरा नहीं था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है तो कोहरा भी काफ़ी घना हो गया। तो आज महसूस हो रहा है कि आज क्रिसमस है और आप सभी लोगों को बहुत बहुत मैरी क्रिसमस। कल का जो वीडियो था वो अभी तक अपलोड नहीं कर पाए हैं क्योंकि वो काफ़ी लंबा शूट हुआ था, तो उसको एडिट करने में काफ़ी समय लग रहा है और घूमना भी है, चीज़ें भी देखनी है, साथ में वीडियो भी एडिट करना है, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं। आ जाएगा वीडियो आज शाम तक, कोशिश रहेगी हमारी। बाकी इस वेदर को एंजॉय करते हैं, चाय एंजॉय करते हैं। तो ज़बरदस्त कोहरे के बीच में निकल गए हम लोग, हिम्मत करके कि हम लोग यहाँ से चलते हैं और अब जाएंगे हम लोग आबानेरी की तरफ। यह हमारा पहला टोल जो है वो क्रॉस हो रहा है और मौसम भी काफ़ी खुल चुका है जैसे जैसे हम लोग भरतपुर से बाहर आए। बहुत ही बढ़िया रोड है ये, मज़ा आ रहा है इस पर। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं होता आगरा जयपुर हाईवे पर। बहुत ही स्मूथ राइड। कैसा लग रहा है संगीता? बहुत बढ़िया। मैरी क्रिसमस संगीता। मैरी क्रिसमस। बीच बीच में कोहरा जो है वो बहुत घना हो जा रहा है, लगभग मतलब 50 मीटर आगे जो गाड़ी चल रही है, 100 मीटर आगे जो गाड़ी चल रही है वो बिल्कुल गायब हो जाती है। पहला कोहरा है ये सीजन का। और ये फास्ट टैग वाले टोल प्लाजा पूरी तरीके से चालू हैं, बहुत सही। आबानेरी तक अभी 10 किलोमीटर और आगे है। ओहो, ऐसा ही रास्ता है क्या पूरा? बाजार के अंदर से बिल्कुल ये रास्ता दिखा रहा है। ये है पार्किंग आबानेरी की, यहाँ पे लगा दिया है और इसके पीछे ही वहाँ पे सामने वो सब मॉन्यूमेंट्स हैं, अंदर लाइन्स हैं। तो आबानेरी में हम लोग हैं इस वक्त, चांद बावड़ी में। यहाँ पर तो यहाँ आप जो नीचे देख रहे हैं ये यहाँ से और ऊपर तक 13 फ्लोर्स हैं यहाँ पर, लगभग 3,500 सीढ़ियाँ हैं। जो छोटी छोटी सीढ़ियाँ अगर आप वहाँ पे देख रहे हैं तो ऐसी 3,500 सीढ़ियाँ हैं इस टोटल पूरे एरिया में। और ये जो सामने देख रहे हैं ये एक हवेली है, ये स्टेप वेल है, साथ में जुड़ी हुई ये हवेली है। इस हवेली में रुकने का, आराम करने का ये सारी व्यवस्था यहाँ पर मिलती है और ये काफ़ी गहरा है। नीचे अगर हम देखें तो ये काफ़ी गहरा है और ऐसे तो इसकी कोई ऐसे डेट है वो कोई फिक्स डेट नहीं है, बट ये 7th और 8th सेंचुरी के आसपास का माना जाता है। पिलर्स के पार्ट, बहुत सारे जो अवशेष बचे हैं उनको यहाँ पर ऐसे रखा गया है। तो बहुत ही खूबसूरत ये 3,500 सीढ़ियाँ जो बनी हुई हैं यहाँ पर, ये साथ में हवेली। तो काफ़ी खूबसूरत मॉन्यूमेंट था ये। और 25 रुपये का टिकट लिया ना, तो 25 रुपये का टिकट था यहाँ पर। काफ़ी अच्छा मॉन्यूमेंट था, जितनी देर देखो उतना देर अच्छा लग रहा था। छोटी सी जगह में बहुत देर तक सुकून से पीस एट पीस आप बैठ सकते हैं, बहुत अच्छा था। अभी हम लोग को यहाँ पे क्या वो सामने कर लें मंदिर। और ये है हर्षा माता मंदिर, तो आइए चलते हैं हर्षा माता मंदिर देख के आते हैं।
ये हर्षा माता मंदिर है हमारे पीछे। तो ये मंदिर और इस बावड़ी का, जो चांद बावड़ी है, इन दोनों का निर्माण लगभग साथ ही साथ कराया गया था 7th-8th century में, 7वीं-8वीं शताब्दी में ही इसका निर्माण। जो यहाँ के लोकल राजा थे, राजा चांद, तो उन्हीं के नाम से चांद बावड़ी नाम भी पड़ा उस बावड़ी का। और ये जो हर्षा माता मंदिर है, ये माता का मंदिर है। काफ़ी भव्य मंदिर रहा होगा, बहुत सारे पिलर्स रहे होंगे, बहुत सारे अवशेष यहाँ पे टूटे पड़े हुए हैं, तो वो इसी मंदिर के और इस चांद बावड़ी के लगते हैं, जो कि बीच बीच में रिनोवेट होता रहा है। और जो भी टुकड़े गिरे हैं उनको संजो के वैसे ही रख दिया गया है। तो वो आप देखिए, वो है चांद बावड़ी। उस चांद बावड़ी में जो रानी थी या जो राजा आते थे, वो वहाँ पर स्नान करते थे, विश्राम करते थे। और उसके बाद जितने भी लोग थे, राजा थे, रानी थे, गांव के जो लोग थे, वो वहाँ से चांद बावड़ी से स्नान करने के बाद अंदर ही अंदर रास्ता था जो कि कनेक्टेड है, और वहाँ से ये अंदर हर्षा माता मंदिर आ गए दर्शन और पूजा अर्चना के लिए। जय बजरंग बली। ठीक है, समय हो गया चाय पीने का। दादू क्या खाएगा? अभी हम लोग का प्लान ये बन रहा है कि हम लोग यहाँ से निकल करके वापस जाएंगे भरतपुर की तरफ, और जो डीक पैलेस है, जल महल डीक पैलेस, वो हम लोग कल विजिट करेंगे जब हम लोग कल यहाँ से निकल के जाएंगे वापस दिल्ली की तरफ। तो चलते हैं यहाँ से, रास्ते में कुछ खाएंगे खाना और पहुँचते हैं भरतपुर। क्यों सिटी में जाएंगे बता रहे? चौकीदार हो क्या? ये आ गया हमारा खाना, मिक्स वेज दाल। ये क्या है? चाट पापड़ी, बहुत बढ़िया, रोटियाँ एंड लेमन सोडा। तो हम लोगों का लंच हो गया है, अब निकल रहे हैं यहाँ से और भरतपुर की तरफ बढ़ते हुए। तुम मम्मा के साथ आगे बैठे हो, सीट बेल्ट भी नहीं लगाए। तो इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं केवला देव बर्ड सेंचुरी के अंदर, जिसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। सेकेंड हाफ है, अभी 2:30 बज रहे हैं, सो लेट्स सी हमें क्या देखने को मिलता है। तो क्रिसमस होने की वजह से काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, बहुत सारे लोग दिल्ली NCR से निकल करके और भरतपुर बर्ड सेंचुरी विजिट करने आए हैं। तो हम लोग बैठ के निकल चुके हैं भरतपुर में, रिक्शे पर सवार हैं और चल दिए हैं बर्ड सेंचुरी के अंदर, हमें केवला देव नेशनल पार्क के अंदर, केवला देव नेशनल पार्क के अंदर। ये वाला है मिसवाक का पेड़ जो उधर सामने दिख रहा है, जिससे जिससे कि टूथपेस्ट बनता है मिसवाक। तो डॉक्टर सलीम अली टूरिस्ट इंटरप्रिटेशन सेंटर है, ये एक म्यूजियम है यहाँ पे आगे, वो जो दिख रहा है हमें। पता है तुम्हें डॉक्टर सलीम अली कौन थे? पता है, डॉक्टर सलीम अली इंडिया के एक बहुत बड़े बर्डर हैं, उन्होंने बहुत सारी बर्ड्स के ऊपर रिसर्च करी है, बुक्स लिखी हैं उन्होंने, हमला नहीं किया है। एक केवला देव नेशनल पार्क के अंदर एक कैंटीन भी है, तो अगर आप आते हैं तो यहाँ पे जलपान की भी व्यवस्था। बीच बीच में हम लोग उतर करके पैदल भी चल लेते हैं। ये पूरा एरिया जो है, तरह तरह की बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, बहुत ही शांत, बिल्कुल नेचर के अंदर। काफ़ी कुछ वाटर बॉडी भी है, तो बहुत अच्छा और सुकून वाला एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पर। भरतपुर बर्ड सेंचुरी का एरिया 29 square kilometers है, जिसमें से 11 square kilometers इज़ ड्राई एरिया एंड द रेस्ट इज़ वेटलैंड्स। मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड इट्स वेरी नाइस, बिकॉज बर्डिंग के पर्सपेक्टिव से बर्ड्स आपको बहुत नज़दीक से दिख रहे हैं। जैसे आप दूसरे पार्क्स में जाते हैं, नेशनल पार्क्स में जाते हैं, यू आर ऑन द जीप एंड द बर्ड्स आर क्वाइट फार अवे, तो उनको देखना, आई एम श्योर आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये एडवांटेज है कि आपको बर्ड्स बहुत मतलब बहुत क्लोज बाय, बहुत नज़दीक से आप देख सकते हो।
बिल्कुल सही बात बताई संगीता ने। यहाँ पे अगर हम लोग जो बर्ड्स देख रहे हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक से बर्ड्स दिख रही हैं, इवन कि जो उनके कलर्स हैं, फेदर के कलर्स हैं, वो भी हम नेकेड आई से देख सकते हैं, बट फिर भी हमारे पास बाइनोक्यूलर्स हैं और वो भी टेलीस्कोप है, उसका भी यूज़ कर रहे हैं। तो हर एक बर्ड का बहुत खूबसूरती से नज़ारा लिया जा रहा है। वो इस कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा, पर हमारी आँखों के लिए, हमारी आत्मा के लिए इट्स अ डिलाइट। तो एक प्राचीन शिव मंदिर बना हुआ है, इसका नाम है केवलादेव मंदिर, और केवलादेव मंदिर के ही नाम से इस पूरे नेशनल पार्क का, इस पूरे जो जंगल है उसका नाम पड़ा था, केवलादेव नेशनल पार्क। तो हमारा टूर, हमारा ट्रिप केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर ख़त्म हो चुका है। हमारे रिक्शे वेट कर रहे हैं और चलते हैं, अपने रिक्शों पर बैठते हैं और बाहर की ओर निकलते हैं। तो ये आ गए वापस हम लोग अपने रिक्शे से, बहुत बढ़िया मज़ेदार ट्रिप। 4:30 बजे एंट्री बंद हो जाती है और उसके बाद फिर लोगों का निकलना शुरू हो जाता है। तो फाइनली आ गए वापस हम लोग अपने होटल रूम में, और आधु को बहुत लगी है भूख इस वक्त। तो काफ़ी अच्छा था हम लोग का दिन आज, हम लोगों ने आभा नेरी स्टेपल विज़िट किया और केवलादेव नेशनल पार्क विज़िट किया, तो काफ़ी लंबा और अच्छा दिन था, बहुत मज़ा आया। आधु आपको अच्छा लगा? चलो आज आदू को भी अच्छा लगा। तो अपना दिन को करते हैं एंड, मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस एवरीवन। अच्छे से आप लोग भी सेलिब्रेट करें, हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, और मिलते हैं कल अपने वापस के सफ़र पे दिल्ली की तरफ। लेकिन हम सिर्फ सीधा दिल्ली नहीं जा रहे, रास्ते में कुछ और भी विजिट करेंगे जो कि पता चलेगा आपको अगले वीडियो में। तब तक गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।